Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak and let us start our today's session. So we are going to discuss Cell, the Unit of Life chapter, class 11th biology, and in today's video we will be discussing about cytoplasm and the nucleus. Okay, so let us start. So as you see in this diagram, cytoplasm is basically the fluid content that is present inside the cell. किसी भी सेल के अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसे कहा जाता है बेटा साइटोप्लाज्म. एंड दिस साइटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एंड दीज कैटेगरीज आर वन इज एंडोप्लाज्म एंड वन इज एक्टोप्लाज्म. नाम से समझिए, एंडो का मतलब होगा जो साइटोप्लाज्म कहाँ की तरफ होगा बेटा, अंदर की तरफ होगा. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए तो जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के आसपास वाले रीजन में पाया जाएगा ये वाले पोर्शन में, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाया जाएगा पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म दैट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियर साइट, इट इज एंडोप्लाज्म और ये नॉन विस्कस है, मतलब ज्यादा डेंसिटी नहीं होगी बेटा इसकी. और जो साइटोप्लाज्म आपका मेम्ब्रेन की तरफ है वो कहलाता है एक्टोप्लाज्म और वो कैसा है, विस्कस है, इट्स डेंसिटी विल बी हाई. ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म. बेसिकली द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज इट प्रोवाइड द प्लेस इन विच ऑल द ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड. इसका मतलब क्या है, लेट अस सी. अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो यू विल सी दैट ऑल द ऑर्गेनेल्स, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी, जितने ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, इन सबको बेसिकली वो जगह जहाँ पे ये प्रेजेंट है वो क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म वो जगह देती है जहाँ पे ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड हैं, अटके हुए हैं बेटा. ओके, सेकेंड इज ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. इसको एक रिलेट कराने के लिए क्लास टेंथ में जाते हैं जरा. तो हमने क्लास टेंथ में रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है बेटा इनटू अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पाइरुविक एसिड. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस और ये प्रोसेस कहाँ होती थी बेटा, साइटोप्लाज्म में. ऑलराइट, सो मींस वट एवर केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग इन द सेल, मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म बेसिकली प्रोवाइड द एरिया इन विच द केमिकल रिएक्शंस इन अ सेल अकर. ओके, थर्ड वन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कॉज मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन द सेल. नाउ व्हाट डज इट मीन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें मूवमेंट होता है, इसको साइक्लोसिस भी कहते हैं बेटा. ओके, इसका मतलब यह है, सपोज करो जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा यहाँ है अभी, ये मूवमेंट करके थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच सकता है, फिर यहाँ पहुँच सकता है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. नाउ इमेजिन इफ देयर इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म हियर, सो व्हेन देयर विल बी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑब्वियसली दिस सब्सटेंस विल आल्सो मूव. सो ड्यू टू दैट द साइटोप्लाज्म कॉज मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन द सेल. ओके, तो सेल में ही एक जगह से दूसरी जगह में जो मूवमेंट होगा वो किसकी वजह से पॉसिबल है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से पॉसिबल है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड इट इज दैट. Now understand this, say for example these are two cells. Now in between their plasma membrane there will be a small pore present or a passage present that is called as plasmodesmata. ठीक है, दो cells के बीच में जो passage होगा, जो छोटा सा pore होगा, that is called as plasmodesmata. And due to the cytoplasmic streaming, cytoplasm from one cell moves to the another cell. Right? So because of this movement, this cytoplasm also carries some of the molecules along with itself when it moves from one cell to another. जब वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेगा तो अपने साथ ग्लूकोज या छोटे मोटे अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है. सो दैट इज अनदर फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म. राइट, सो विद दिस साइटोप्लाज्म इज कंप्लीट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियस. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. Nucleus is a double membrane structure. In animal cell it is located near the center but in plant cell at the periphery. इसका मतलब क्या है ये समझते हैं. अगर prokaryotic cell का nucleus याद करेंगे तो आपने देखा था कि prokaryotic cell का जो DNA होता है वो naked होता है बेटा. It lies simply in the cytoplasm but जब हम eukaryotic cell की बात करते हैं तो इसके DNA के बाहर एक membrane structure होता है जिसे कहते हैं nuclear membrane. Because of that eukaryotic nucleus is also called as true nucleus. Okay, so here we have to study about the eukaryotic nucleus. So as you see that there is a membrane around the nucleus. Okay,
Now, in animal cell, what happened? The nucleus basically lies in the center. If this is an animal cell and you see it in the diagrams, the position of nucleus will be like this. But when we speak of plant cell, because plant cell have large size vacuoles, so most of the area in the cell is occupied by the vacuole. तो इसकी वजह से न्यूक्लियस आपको थोड़ा सा साइड में दिखेगा, पेरिफेरी में दिखता है. सो दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम्स कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप, अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, थ्रेडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन, एंड अराउंड ओवल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. ओके, now let us understand them one by one. So now see here, so first there is nuclear membrane. So it is a double layered structure which encloses genetic material of the cell. Now if you have a look here, you see that there is a double membrane structure present here. Say for example, this is the outer layer beta and this is the inner layer. The inner layer is smooth, whereas the outer layer is a bit rough because it contains ribosome on its surface. So you see these small dots, ये dots हैं बेटा राइबोसोम के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये मेम्ब्रेन थोड़ी रफ दिखती है जबकि अंदर की मेम्ब्रेन इसकी स्मूद है. नाउ देर आर सर्टेन रीजन्स वेयर बोथ दीज मेम्ब्रेन आर एबसेंट इन द न्यूक्लियर एनवेलप. लाइक आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, दिस इज द पोर्शन वेयर बोथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एबसेंट एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. इसको क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर पोर कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, वाई दिस पोर इज रिक्वायर्ड? अब इस पोर की जरूरत क्या है? अब सपोज न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कभी बाहर सेल में किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोई पैसेज चाहिए या फिर कोई ओपनिंग चाहिए, एंड दैट ओपनिंग इज बेसिकली न्यूक्लियर पोर. तो मोस्टली द ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन अकर्स अक्रॉस द न्यूक्लियर पोर. एंड क्या ट्रांसपोर्ट होगा इसमें से? तो मोस्टली राइबोसोम्स एंड आरएनए इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेल साइट, राइट? दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर. सो एज आई हैव रिटन हियर, थ्रू न्यूक्लियर पोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर्स अक्रॉस इट सच एज आरएनए एंड प्रोटीन्स, राइट? देन वी स्पीक ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. तो बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स अ फ्लूइड. न्यूक्लियोप्लाज्म सिंपली मीन्स द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस. सॉरी हियर इट इज रॉन्ग बेटा, ये होगा न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. सो ऑल द जेनेटिक मटेरियल दैट लाइज इन द साइटोप्लाज्म. अब इसको समझते हैं, अगेन इसी डायग्राम से समझते हैं. अब ये न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड दिख रहा है आपको, ये जो पिंक कलर का पोर्शन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. तो बेसिकली जो भी आपका क्रोमेटिन है, डीएनए है, न्यूक्लियोलस है, ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स लाई वेयर दे लाइज इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इटसेल्फ. जैसे साइटोप्लाज्म जगह देता है सारे ऑर्गेनेल्स को वहां पे रहने की, सिमिलरली इन द न्यूक्लियोप्लाज्म दीज स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज न्यूक्लियोलस. सो इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, आप पीछे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये लिक्विड पोर्शन हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म. एक राउंडेड ओवल स्ट्रक्चर, राउंडेड या ओवल स्ट्रक्चर दिखता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियोलस. सो द नेकेड राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. अब इसका फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा. इसके अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, या जो ये रीजन है, दिस रीजन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर राइबोसोम्स एंड अनदर काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज आर एन ए. और स्पेसिफिकली ये राइबोजोमल आर एन ए बनाता है. फॉर द टाइम बींग अंडरस्टैंड दिस दैट बोथ ऑफ दिस राइबोजोम एंड आर आर एन ए आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल. तो अनलेस अंटिल दीज आर नॉट सिंथेसाइज बाय द न्यूक्लियोलस, हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता. दूसरा, विल स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिविजन. मीन्स we have studied about mitosis, we will study in detail in the coming chapters, but what happens that when cell divide, to sabse pehle uska nucleus divide karta hai beta, aur nucleus mein bhi jo dna hai wo divide karke dono cell mein equal amount mein jana chahiye. okay, to uske liye ek structure responsible hota hai jisko kehte hain spindle, and this spindle is basically nothing but a protein that is formed by the ribosome.
इसका जो डिटेल्ड है वो हम सेल साइकिल वाले चैप्टर में समझेंगे, बट अभी के लिए समझिए कि न्यूक्लियोलस कुछ ऐसा बना रहा है जिसकी वजह से सेल डिवीजन फैसिलिटेट होता है, राइट। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, इफ दिस इज द न्यूक्लियस, देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। तो एज द नेम सजेस्ट, क्रोम प्लस एटिन, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्रोम आया है टर्म कैरियन से, कैरियन का मतलब होता है डीएनए, ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, तो दैट इज क्रोमेटिन, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ बेटा प्रोटीन एंड डीएनए। तो क्रोमेटिन किस किस का बना है, प्रोटीन और डीएनए का। अगर थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें तो इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पे थ्रेडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस थ्रेडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। अब ये इसमें एक तो थ्रेड है जिसे हम डीएनए कहते हैं, और जगह जगह इसमें बेटा, जैसे मैं ये रेड कलर के डॉट दिखा रहा हूँ, प्रोटीन पाए जाते हैं, दैट्स वाई इट हैज बिन कॉल्ड एज क्रोमेटिन। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम। अब हमने पढ़ा है कि हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम सिर्फ तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, मतलब व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड एंड आफ्टर डिवीजन इट फॉर्म्स टू सेल, ओनली एट दैट केस यू सी द क्रोमोजोम्स, अदरवाइज इनसाइड द न्यूक्लियस एवरी टाइम यू विल सी दिस थ्रेडेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। ओके, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि हमने कहा क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाता है बेटा, क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। व्हाट इज जीन, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसी चीज जो ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो बेसिकली व्हाट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज जीन्स। और हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स किसकी वजह से बनते हैं, जीन्स की वजह से बनते हैं। और इन टर्न जीन किसका बना है बेटा, जीन बना है डीएनए का। अब ये टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं तो इसको यहां से समझते हैं। सी दिस इज क्रोमोजोम बेटा। ओके, अब इस क्रोमोजोम से आप एक कोने से थ्रेड निकालते हैं तो ये थ्रेड क्या कहलाता है, क्रोमेटिन। इसी क्रोमेटिन को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो आपको ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए, विच इज बेसिकली द जेनेटिक मटेरियल। नाउ दिस इज एंटायर डीएनए फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ दिस पोर्शन ऑफ डीएनए, सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से मेरे आई का कलर बनता है, वट एवर कलर इज देयर इन माई आई लाइक ब्लैक, तो वो सिर्फ किसकी वजह से बन रहा है बेटा, इतने पोर्शन की वजह से। सो बेसिकली दिस इज अ जीन, मीन्स सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर द प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज जीन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर टू काइंड ऑफ क्रोमेटिन, वन इज कॉल्ड एज यू क्रोमेटिन, अदर इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जब इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो लाइटली स्टेंड होते हैं, और कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्कली स्टेंड होते हैं। तो जो लाइटली स्टेंड एरिया होता है न्यूक्लियस का, दैट इज कॉल्ड एज यू क्रोमेटिन, और जो डार्क कलर का दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप में, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, इसको इस डायग्राम से समझिए, हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। सो एट द पेरिफ्री यू सी सम डार्क स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन, और अंदर की तरफ को जो लाइट पोर्शन दिख रहा है उसे कहते हैं यूक्रोमेटिन। नाउ हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन, मतलब 100 में से करीब करीब 5 to 6% पोर्शन ही पूरे क्रोमेटिन का क्या है बेटा, यूक्रोमेटिन है। बाकी जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो मेजर पोर्शन बनाता है आपका डीएनए का। मीन्स वट एवर अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन माई सेल, 90 to 95% ऑफ दैट पोर्शन इज हेट्रोक्रोमेटिन एंड ओनली 5% इज यूक्रोमेटिन। ओके, now what is the function of euchromatin, euchromatin whatever protein is being formed in my body that entire protein is synthesized by the euchromatin, isme functional genes present hote hain aur wahi genes aage chalke kya banate hain, protein ka synthesis karte hain. heterochromatin non functional hai beta, that means it doesn't code for any proteins, wahan pe genes likha hai but protein hona chahiye. to heteroprotein zyadatar sorry heterochromatin ऐसा डीएनए है जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है बेटा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज क्रोमोसोम। एज आई टोल्ड यू, क्रोमोसोम इज द कंडेंस क्रोमेटिन, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन कौन से प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसे हिस्टोन कहा जाता है,
और कुछ प्रोटीन्स हैं जिन्हें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है. दीज प्रोटीन्स हैज वेरी मच इंपॉर्टेंस बिकॉज दीज आर हेल्पफुल इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम. यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सेल ऑफ आर बॉडी कंटेन अराउंड 2 मीटर डीएनए. अब न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10^-6 मीटर से भी छोटा है बेटा. मीन्स इट्स साइज इज वेरी स्मॉल. सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट अ थ्रेड ऑफ 2 मीटर इज एडजस्टेड इनसाइड सच अ स्मॉल स्पेस. तो उस पैकेजिंग में या उस डीएनए को 46 क्रोमोसोम में एडजस्ट करने में या कंडेंस करने में जो प्रोटीन हेल्प करते हैं दीज आर हिस्टोन्स. राइट. तो विल स्टडी अबाउट दिस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इन क्लास 12th. सो अप्रॉक्सीमेटली देर इज 2 मीटर डीएनए इन एवरी सेल एंड दिस 2 मीटर डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 46 क्रोमोसोम्स. यही चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था. देखिए इतना लंबा थ्रेड है एंड फाइनली इट इज कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. ओके गाइस, सो एवरी क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर, वन इज सेंट्रोमियर एंड अदर इज क्रोमेटिड. सो इफ यू हैव अ लुक एट दिस डायग्राम तो आपको दिखेगा कि सेंटर पे यहाँ पे एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, तो यहाँ पे सेंटर में एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है. दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ रिपीटेटिव सिक्वेंसेज ऑफ डीएनए, मतलब उसके सीक्वेंस रिपीट करेंगे एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेटा सेंट्रोमियर. ओके, तो बेसिकली दिस इज द सीक्वेंस टू विच द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर अटैच्ड. अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर मैं इसको क्रोमोसोम कहता हूँ बेटा, तो ये चारों क्रोमोसोम एक दूसरे से जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े होते हैं दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. राइट. एज आई हैव रिटन द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज इट अटैचेस द क्रोमैटिड्स. अब जो ये आर्म हैं, अगर आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो दीज आर्म्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स. लाइक दिस इज मेंशन क्रोमैटिड. ओके, ये तो आर्म का ऐसा है कि बीच में सेंट्रोमियर है, आर्म्स अलग अलग हैं तो पी और क्यू आर्म कह दिया. दैट इज नॉट अ कंसर्न हियर. मेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज वन स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर कॉल्ड एज सेंट्रोमियर एंड देयर इज अनदर स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमैटिड. बोथ आर मेड ऑफ डीएनए बट इट इज द क्रोमैटिड दैट इज द मेन डीएनए. राइट. सो अनदर फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज इट हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिविजन. इसको अभी के लिए ऐसे समझिए कि जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है. ओके, सो व्हेन द न्यूक्लियस विल डिवाइड व्हाट विल हैपन. न्यूक्लियस की 1 से 2 कॉपी बनती है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है जो चीज़ डिवाइड कर रही है. तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ डिवाइड कर रही है वो है डीएनए. डीएनए किस फॉर्म में है बेटा, कंडेंस होकर क्रोमोजोम के फॉर्म में है. तो इसी क्रोमोजोम की आर्म जब सेपरेट होती हैं ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस तो ये किसकी वजह से होती हैं, सेंट्रोमियर इसमें हेल्प करता है अलॉन्ग विद द, हमने कुछ पढ़ा था स्पिंडल फाइबर्स पीछे. राइट. सो दिस इज अबाउट द क्रोमोसोम. नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक. मेटा मतलब होता है बीच में. जब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है और जो आर्म्स होती हैं जो क्रोमेटिड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल लेंथ की होंगी तो सच अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. देन देयर इज सब मेटासेंट्रिक. अब सब मेटा का मतलब क्या हो गया, सेंटर से थोड़ा साइड में. तो हेयर यू विल सी दैट दिस सेंट्रोमियर लाइज जस्ट नेक्स्ट टू द सेंटर. नेक्स्ट सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ को है तो इसकी वजह से एक आर्म कैसी हो गई, छोटी हो गई बेटा, और एक आर्म कैसी हो गई, बड़ी हो गई. सो व्हेन द सेंट्रोमियर लाइज जस्ट अबव द सेंटर एंड दैट कॉजेज one arm of the chromatid to be long and other to be small, such a chromosome is called as submetacentric chromosome. Then we speak of acrocentric. Acrocentric कहते हैं बेटा जिसमें सब टर्मिनल पोजिशन में सेंट्रोमियर होता है, बिल्कुल एंड में नहीं है, एंड से थोड़ा पहले है. सो दैट कॉजेज वन लॉन्ग आर्म एंड वन वेरी शॉर्ट आर्म. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक. एंड फाइनली द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक. टीलोमियर्स मतलब when the centromere is at terminal position. So you see that there at the end the centromere is present and with it attached are the arms of chromatids. So that is about the different types of chromosomes. Now I would request you to have a look at this diagram also. This diagram you see that there are totally 22 plus this one sex chromosome, 23 pairs of chromosome ko dikha raha hai. Ise kehte hain beta कैरियोटाइप कहा जाता है. जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम
रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप। सो दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन सेल। तो ईच ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोजोम। इनका लेंथ साइज वगैरह सब इसमें आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 22 क्रोमोजोम का जो लेंथ होगा वो छोटा होगा, दैट इज क्वाइट विजिबल। इससे छोटा 21 का है। फर्स्ट क्रोमोजोम काफ़ी लंबा दिख रहा है एंड दिस 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोजोम। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज कैरियोटाइप। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। सो इट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। वट एवर डेवलपमेंट इज अकरिंग इन साइड आर बॉडी इट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी बिकॉज ऑफ दिस डी एन ए दैट इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस। ओके, इट पासिस ऑल इन्फॉर्मेशन टू द सेल। यू नो दैट वेन द सेल डिवाइड इट इज द फर्स्ट न्यूक्लियस दैट विल मूव ऑन टू द न्यूली फॉर्म्ड सेल। बेसिकली दैट न्यूक्लियस हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ सेल। थर्ड फंक्शन इज इट सिंथेसाइजेज राइबोसोम एंड यू ऑल नो दैट राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। And last one is a direct synthesis of RNA and protein. So nucleus is involving the synthesis of RNA as well as protein. So that covered this part. So that is all for today. In case of any query, just let me know. Thank you.